من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today our topic is fertilization. What is fertilization? आज हम fertilization के बारे में पढ़ेंगे. For you know that for sexual reproduction to occur, a male gamete must combine or fused with a female gamete. पहले बच्चों आप जानते हैं कि sexual reproduction के लिए male gamete को फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होना जरूरी है. द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद ए फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जायगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. यानी जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलकर कंबाइन होकर जायगोट बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सिंस द मेल गैमेट ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड ओवम, देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम टू फॉर्म ए जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्योंकि मेल जानवर के मेल गैमेट को स्पर्म भी कहते हैं और किसी एनिमल के फीमेल गैमेट को ओवम और एग भी कहते हैं, लिहाजा हम फर्टिलाइजेशन की जो डिफिनेशन है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं. द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम टू फॉर्म ए जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. को इस तरीके से हम भी इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं. इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस ए न्यू सेल कॉल्ड जायगोट. यानी हम यहाँ देखते हैं जब मेल सेल फीमेल सेल सेल के साथ कंबाइन होती है तो एक नई सेल बनती है जिसको हम जायगोट के नाम से पुकारते हैं. द जायगोट इज यूजुअली फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग. ये जायगोट जो है ये आमतौर पर फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग होता है. द जायगोट ग्रोज एंड डेवलप्ड फॉर ए न्यू बेबी. फिर ये जायगोट जब इसका ग्रोथ होता है तो ये नो न्यू बेबी बन जाता है. द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जायगोट एंड द न्यूली फॉर्मड बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो. यानी ये स्टेज जायगोट और जो ये न्यूली फॉर्मड बेबी के दरमियान जो ये स्टेज होता है तो इस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं. अब जो फर्टिलाइजेशन है इसकी दो किस्म है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. यानी वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर वाका होती है तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड हर बॉडी. यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल एनिमल का जो एग होता है वो फर्टिलाइज स्पर्म से होता है इस उस फीमेल के जिस्म के अंदर. इन मैमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. यानी जो मैमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और परिंदे और रेप्टाइल्स, इनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर वाका होती है. इन अदर वर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स.
इन्हें दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स में वाका होती है। इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के जिस्म के बाहर वाका होती है तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। In external fertilization, the female's eggs are fertilized by sperms outside its body. In amphibians, like frogs, frogs and toads and fishes, the fertilization of eggs occurs outside the female body, female animal's body. यानी ये external fertilization जो है ये frogs में और fishes में वाका होती है। In other words, in amphibians and fishes, external fertilization takes place. There are two different modes of fertilization in nature, internal fertilization and external fertilization. तो इसके बारे में हमारा टॉपिक आज ही था फर्टिलाइजेशन। अब आप जान गए होंगे कि what is meant by fertilization and what are the types of fertilization. What is meant by internal fertilization and external fertilization, and in which animals internal fertilization takes place, and in which animals this external fertilization takes place. Thank you.